तो गाइस ये इस लुक को मैंने दो तरीके से क्रिएट किया, एक सिंपल साड़ी लुक शेयर किया और दूसरा है शॉल के साथ हम स्टाइलिश कैसे बन सकते हैं, तो इसी तरीके से वेयर करने के तरीका मैंने आप लोग को साथ किया है, तो चलिए अभी दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, जब मैं कमरे में आती हूँ तो बस ऐसे मोबाइल उठाती हूँ, सोचती हूँ चलो अच्छा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो वही चीज इसीलिए यहाँ से ही स्टार्टिंग या किचन से होता है। तो अभी जस्ट मैं चल रही हूँ, आज आप लोग के साथ कुछ अलग शेयर करने, आज मेरा एक साड़ी था उसका रिव्यू करने मैंने, तो मैं सोची आज आप लोग के साथ साड़ी का लुक शेयर करूँ। काफ़ी दिन से ब्लॉग ही जा रहा है, तो कुछ कभी कभी हट के जाना चाहिए। तभी जस्ट मैं खाली हो चुकी हूँ, खाली होके थोड़ा सा आज साड़ी सिंपल सी साड़ी भी पहनी हूँ, बट आज मुझे एक लुक शेयर करना है आप लोग के साथ, तो उसी लुक के लिए मैं अभी थोड़ा सा तैयार व्यार हो चुकी हूँ, बस साड़ी को चेंज करना है और कान का भी मैंने चेंज कर लिया। तो अभी जस्ट मैं इसी सबसे पूरे प्रॉपर तरीके से खाली हो चुकी, तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ आज अच्छा सा एक लुक साड़ी का शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से बस यही चल रहा था, तो मुझे यही चीज़ लगा तो मैं चली, कुछ अलग तो होना ही चाहिए, हमेशा एक ही चीज़ हमेशा अलग होना चाहिए, तो कुछ अभी यही था। तो अभी जस्ट मैं खाली होके बस यहाँ पे आई हूँ, तो मैं सोची स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग को। स्टार्ट करने के बाद फिर मैं आप लोग के साथ ऐसे जब रखती हूँ ना मोबाइल तो ऐसे दे, तो अभी जस्ट मैं चल रही हूँ साड़ी पहनती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है साड़ी, कौन सा लुक है, कैसा है वो, मेरे ऊपर कैसे लगेगा, आप लोग जो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे गोल गोल घुमा रही हैं, तो चलिए वीडियो के तरफ चलते हैं। तब तक के लिए पहले तो गाइस मैंने साड़ी को चेंज कर लिया, जो मैं साड़ी का लुक शेयर करने वाली हूँ, तो लुक शेयर की हूँ आप लोग के साथ, तो उसको मैं दिखा रही हूँ कैसे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से है। तभी जस्ट मैं इसे पहनी हूँ और मैं पहनने के बाद फिर मैं आप लोग के साथ लुक शेयर कर रही हूँ। और ये दिख रहा है ना इसी कलर से मैच, और मेरा जो ब्लाउज था इसका भी कुछ कलर ही सबसे कॉम्बिनेशन ऑरेंज ग्रीन, ये सब जितने कलर है ना सारे मिक्स हो रहे थे, तो मैं सोची चलो इसी को पहन लेती हूँ, क्या दूसरा चेंज करूँ, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो आई होप आप लोग को ये साड़ी कुछ अच्छा लगेगा और पसंद आएगा, तो चलिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक सिंपल साड़ी है, जो इसमें लुक कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ताई मुझे अच्छा लग रहा है, बट आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक सिंपल साड़ी को आप वेयर करते समय आप बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलिश या अच्छे से बन सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास भारी भरकम वाली ही साड़ी रहे तभी हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टाइलिश बन सकते हैं। तो ये कुछ लुक इस तरीके से मैंने क्रिएट किया कि एक सिंपल साड़ी के साथ आप अपने लुक को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक विंटर का समय है, विंटर के समय में आप चाहे तो शॉल को कैसे वेयर करते हैं उसको भी मैंने इसमें शेयर किया है कि आप लोग को इस तरीके से, तो अपनी थोड़ा सा हेयर इस तरीके से खुले पल्लों में मैंने ऐसे इस तरीके से इसे किया है। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए कैसा लग रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोग से इस लुक को करते समय। तो मैं मुझे लगा कि ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ, और बहुत ज़्यादा फिगर जैसे होते हैं ना मोटे वाले, तो थोड़े से मैं भी मोटी ही हूँ, बट थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, जब खुले पल्लों में होइए तो अपनी साड़ी को थोड़ा सा नीचे पहनिए और अच्छे तरीके से तो पहनिए, तो आपका लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा, समझने में ये चीज़ें आएगी कि हाँ ठीक है। कभी कभी बहुत हल्की वाली जो साड़ी होती है ना पहनिए तो शरीर में पूरे लपेटे हुए लगते हैं, तो वो लगते हैं कि बहुत सारी भारी भरकम से लग रही है, बट पहनने का थोड़ा सा पिनअप वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए। तो इस तरीके से इस लुक को मैंने क्रिएट किया है, तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को इस लुक के बाद मैं दिखाती हूँ आप अपने साड़ी के साथ साड़ी को शॉल को कैसे वेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टाइलिश बन सकती हैं एक शॉल को अपने स्टॉल को लेकर, तो मैं हल्के स्टॉल,
तो ये स्टॉल मैं डेली यूज़ करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं येलो कलर। येलो कलर इसलिए मैं कि ये इससे मैच खा रहा था और ब्लू वाला मैंने नहीं लिया, इसलिए कि इससे मैच खा रहा और काफ़ी अच्छा ज़्यादा इसमें लगेगा भी। तो इस लुक को मैंने वेयर इसीलिए किया, ऐसे आप लोग के लोग शेयर किया कि आप लोग को भी ये लगे कि हाँ एक सिंपल सी साड़ी के साथ में एक स्टाइलिश शॉल या स्टॉल जो भी हो आप लेके किस तरीके से अपने साथ स्टाइलिश बन सकते हैं। और अगर आपको सर पे पल्ला भी रखना हो तो उसको भी मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ अभी दिखा दूंगी जब बातें करती रहूंगी, तो कि किस तरीके से आप सर पे पल्लू रख के अब कहीं कहीं रीति रिवाजें भी जो होते हैं सर पे पल्लू रखने वाले वो भी हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं रखते हैं, लेकिन मैं रखती हूँ इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ बहुत लोग रखते होंगे भाई। तो यहाँ पे ये लुक मेरा कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो गाइस मैंने आप लोग के साथ पूरा लुक शेयर किया साड़ी का, और साड़ी के साथ साथ ये शॉल स्टॉल का भी होता है, जैसे कॉम्बिनेशन होता है लुक को, सोचते हैं कि नहीं शॉल लेने से या स्टॉल लेने से हमारे साड़ी के लुक घट जाएंगे, नहीं आपके अगर विंटर होते हैं तो आप आराम से साड़ी के साथ अपने शॉल या स्टॉल को वेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो इसीलिए मैंने साथ स्टाइल आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि आप लोग को दोनों को समझ में आए क्या कैसा लगेगा लुक देखने पे, तो वही होगा स्टाइलिश साड़ी टू लुक शॉल। तो आप लोग दोनों चीज़ को वेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी, विंटर के समय ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा सबके हर औरतों के मन में आता है कि साड़ी पहनी हो तो कैसे लूँगी शॉल या स्टॉल कैसे पहनूंगी, तो होने के बाद क्या आता है कि मेरा लुक मेरे साड़ी का लुक कैसे होगा, सब कुछ होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को वेयर करके इस तरीके से साड़ी को, बस कभी कभी होता है सर पे पल्लू भी रखने वाला, तो वो भी आप अपने बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप जब पल्लू को करते हैं ना आप क्या करेंगे, बहुत जगह के सिस्टम है कि भाई पल्ला रहना चाहिए सर पे, तो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आप पूरे प्रॉपर तरीके से आप सर पे पल्ला भी इस तरीके से करके रख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने शॉल को भी वेयर कर सकते हैं, और स्टाइलिश भी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे में भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बस स्टाइलिश बनाना है, तो थोड़ा सा होता है क्या जब ये चीज़ साड़ी भागती है ना तो आप यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं, जो हेयर पिन आता है उससे अपने इस साड़ी को यहाँ पे थोड़ा सा पिन अप कर देंगे, और फिर पूरे पार्टी में आप बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हैं इस तरीके से वेयर करने के बाद साड़ी के लुक को। तो मैंने दोनों लुक आप लोग के साथ इस तरीके से लुक को शेयर किया हूँ कि हूँ कि आप दोनों तरीके से, अक्सर तो आप कहाँ लोग सर पे पल्ले रखते हैं लेकिन बट कहीं कहीं है रूल नियम, मैं खुद रखती हूँ सर पे पल्ला, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ऐसे होते हैं कि जो हम सर पे पल्ले रखें अपने संस्कार भी बनाए रखें, साड़ी का लुक भी अच्छा लगे, शॉल भी ले ले, सारी चीज़ हो परफेक्ट हो। तो उसी तरीके से मैंने इस चीज़ को पूरा इसमें आप लोग को परफेक्ट तरीके से शेयर किया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और मैं इसी के ही इसे ही मैच करते हुए अपने शॉल और साड़ी से मैच करते हुए ये रिंग पहनी थी, ये रिंग गले में नहीं कुछ ली थी बस यही करके, और मैंने थोड़ा सा बस बहुत थोड़ा सा मेकअप किया था, बहुत थोड़ा सा मतलब लिपस्टिक पाउडर थोड़ा सा आईलाइनर बाकी और कुछ नहीं। तो यही सब था अभी जस्ट मेरा वीडियो आप लोग के साथ, मैंने काफ़ी अच्छा लुक शेयर किया स्टाइलिश साड़ी कैसे वेयर करें उसके साथ करें, तो यही चीज़ था। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब शेयर हमें क्यों शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ मिलती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।